अगर चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंज सबसे बड़ा तो यही था कि इतने मास लेवल पे डिजास्टर, इतने मास लेवल पे अर्थक्विक कहीं पे भी नहीं आया है। क्योंकि जो अर्थक्विक आया भी, जैसे कि हम अपनी कंट्री की बात करें तो वहाँ पे एक शहर जैसे गुजरात के कहीं पे बात करें तो हुआ, लेकिन वहाँ पे जो अर्थक्विक था बहुत ही बड़े लेवल का था, उसने सिर्फ एक शहर को ना कई सारे शहरों को तबाह किया था। तो हमारे लिए एक बड़ा लर्निंग भी था, क्योंकि हम जब भी तैयार रहते थे तो एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, इस तरीके से हमें कोलैप्स बिल्डिंग मिलती थी। मैं कोलैप्स की सिर्फ बात कर रही हूँ, अदर टाइप के भी डिजास्टर होते हैं लाइक फ्लड वगैरह, जिसमें हमारी इंडिया की टीम काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती भी है। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले तो ये कठिन होता है कि लाइव को पहचान करना, पहले तो किस साइड पे आपको काम करना है, और उस साइड पे काम करने के अलावा आपका लाइव विक्टिम कहाँ पर है उसको खोजना। और लाइव विक्टिम जब आप खोज लेते हो तो आपको कम से कम टाइम में उसको निकालना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। उसके साथ ही, क्योंकि सिर्फ एक बिल्डिंग अगर है 13 मंजिल की, तो वहाँ पे एक फैमिली नहीं, कई सारी फैमिलियाँ होती हैं, तो उनको भी एक धैर्य बंधाना कि हम हैं यहाँ पे, हम आपके लिए काम करेंगे, वो भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि छोटे छोटे बच्चे, हम जब ऑपरेशन से आते थे शाम को, वो लोग ऐसा लगता था कि जैसे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही हम आते थे, हमने अपना मैस चलाया तो हम उसमें क्या दाल भात बनाया, तो हमने उनको ऑफर किया कि आप दाल भात खाएंगे, तो उनको इंडियन फूड, आई लाइक इंडियन फूड दाल भात, तो वो बहुत अच्छा लगता था कि जब उनको हमारा दाल भात पसंद आया था। लैंग्वेज बैरियर किस तरीके से? लैंग्वेज बैरियर था, उनको तुर्किश ज़्यादा अच्छे से समझ में आती थी, लेकिन हमारे साथ जो ट्रांसलेटर थे वो उसको मायने नहीं रखते थे। और कभी कभी जो बच्चे थे वो तो हमारी हाव भाव से ही समझ जाते थे कि हम उनको इस तरह से समझ, यू ईट या तो वो समझ जाते थे, लेकिन जो बड़े थे उनके लिए हम गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके उनको अपनी बात तक।